छठ का पावन पर्व है और इसे मनाने के लिए लोग पंजाब, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों से अपने गांव की ओर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय अम्रपाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रुकी है गोरखपुर के, और आप ट्रेनों में भीड़ देख सकते हैं किस तरह से लोगों के अंदर छठ के महापर्व का उत्साह भी आपको दिखाई देगा। और यही वजह है कि ट्रेनों में काफ़ी भीड़ भी दिखाई दे रही है। और ये देखिए, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ट्रेन में किस कदर लोग खचाखच भरे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। और देखिए महिला हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? रिंकू देवी। कहाँ से आप आ रहे हो? जलंधर से। कहाँ जा रहे हैं? बिहार। बिहार कहाँ पे जा रहे हैं? हाजीपुर। क्या करने जा रहे हैं? छठ मनाने जा रहे हैं। हाँ जी। कितना इंतजार रहता है छठ पे? गाँव बढ़िया रहता है। महापर्व और देखिए उत्साह देखिए कितना है कि लोग खचाखच ट्रेन भरी हुई है और जा रहे हैं इसी में छठ मनाने के लिए। देखिए एक परिवार भी है यहाँ पर। क्या? सरस्वती। अच्छा, कहाँ से आप आ रही हो, कहाँ जा रही हो? लुधियाना से गोरखपुर। क्या करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर? बस ऐसे छठ पूजा में माता ने हमें भी बुलाया दर्शन करने। कितने साल से छठ का महापर्व आप मनाते आ रहे हैं? बस 5 साल से। हर साल आना होता है छठ पर? हाँ, हर साल आना होता है, काफी अच्छा लगते हैं। कितनी आस्था और क्या क्या आपको करना? आस्था रहती है उनकी, माता की, माँ ने कृपा से इतनी औखे बुलाती हैं। क्या क्या करना होता है? अरे उनके में शाम को भी अर्घ देना, सुबह को भी देना पड़ता है, घर वाले के नाल सारे लोग रहते है, अच्छे खासे परिवार के साथ सभी त्योहार मनाते हैं। अच्छा, आपने कोई मन्नत मांगी थी कब, किस वजह से आप रहना शुरू की? मन्नतें तो हर कोई जो मांगता है वो पूरा करती है माता ने, इस करके वो छठ सब मनाते रहते हैं। कितने बच्चे आपके हैं? दो बच्चे हैं। क्या है नाम है उनका? अंशिका। आयुष। आयुष, छोटा आयुष बेटा। हाँ जी। किसके लिए रहा जाता है ये? जो भी मन्नतें मांगते हैं उसके लिए रख लेते हैं, सब पूरे होते हैं माता ने बच्चे। देखिए माता ने बुलाया है और लोग अपने गांव की तरफ चल पड़े हैं, माँ पर्व है छठ का। मैडम इधर एक मिनट देखिए, ये बताइए क्या नाम है और कहाँ से हैं? चलिए थोड़ा सा इनको संकोच लग रहा है, इधर भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम है और कहाँ से आप आ रहे हैं? गुड्डू नायर, लुधियाना से आ रहे हैं। कौन कौन है साथ में? चाची हैं, भाभी हैं, घर वाली हैं। बड़ा शर्मा रही है, छठ का व्रत नहीं रखती? नहीं, चाची भी रहती हैं, भाभी दोनों रखती हैं छठ का व्रत। तो आप लोग हर साल आते हो? हाँ, हर साल आते हैं हम लोग। कितनी आस्था है छठी मैया? आस्था यही है, जो मन्नत मांगे जाता है जो पूरा हो जाता है उस समय आस्था बन जाता है, सबको आना ही पड़ता है। छठ का महापर्व है और आस्था लोगों की कूट कूट कर भरी हुई है, और यही वजह है कि छठ के महापर्व पर पंजाब, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से लोग अपने गाँव की ओर चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। और यही वजह है कि ट्रेनों में भी खचाखच भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन आस्था लोगों की कम होती नहीं दिख रही है और लोग अपने घरों की तरफ चल पड़े। गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अम्रपाली एक्सप्रेस रुकी हुई है और छठी मैया में कितनी आस्था है ये आपको दिखाते हैं। और पंकज अभी समस्तीपुर जा रहे हैं, अपने गाँव जा रहे हैं गुड़गांव से, और उनके साथ में चंदा, उनकी पत्नी भी हैं। पंकज और चंदा, आप शायद विश्वास ना करें लेकिन चंदा के हस्बैंड पंकज 11 सालों से छठी मैया का व्रत कर रहे हैं और पत्नी पूरा सपोर्ट करती हैं उनका। पंकज, आपका एबीपी गंगा में बहुत स्वागत है। ये बताइए आप कितने साल से व्रत, 11 साल से कैसे आप रह रहे हैं, कब से और कैसे शुरुआत किया आप? एक्चुअली मेरी मम्मी मेरी मानता रख रखी थी, इसके कारण मुझे फास्टिंग रख के उसके बाद जो भी उनका प्रक्रिया होता है ये चीज़ इस अनुसार मैं करता हूँ विधि विधान के अनुसार। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आस्था जगी है? बस माता रानी का कृपा है, छठ मैया की कृपा है कि नहीं भी जाना चाहते हैं लेकिन उनका ऐसा आशीर्वाद है कि वो अपने तरफ खींच ही लेती हैं, कहीं भी हम रहते हैं हमें बुला ही लेती हैं। तो कौन कौन आपके साथ जा रहा है और क्या करते हैं आप गुड़गांव में? गुड़गांव में मैं एयरफोर्स 54 SP में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं और मेरी मिसेज विथ फैमिली। माँ में कितनी आस्था आपको दिखाई देती है और आपकी माँ भी आपके साथ व्रत करती हैं? बिल्कुल, मैंने भी जो भी है मेरी माँ है वही छठ उठा रखी हैं, अभी मेरी मिसेज को नहीं दे रखी, मैं सिर्फ फास्ट करता हूँ। आपकी पत्नी सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल फुल। 11 साल हो गए आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कितनी कितने साल पे आप गाँव जा रहे हो?
मैं अभी एक साल पे जा रहा हूँ। एक साल पे काफ़ी इंतज़ार भी रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसे हमारा कोई चांसेस नहीं था जाने का, लेकिन छठ भैया के अंदर इतना शक्ति है कि मैंने देखा है अभी ऑटोमेटिक मुझे खींच के लेके जा रही है 7 डेज के लिए सिर्फ ओनली। क्या बात है, ये बताइए कितने बच्चे आपके? दो। क्या नाम है, कितनी उम्र है? बच्चे का एक का है 4-5+ अनुज कुमार और एक है 4+। अच्छा, आप एयरफोर्स में हैं तो ये बताइए कि लोगों को आश्चर्य भी होता होगा कि पति छठ का व्रत ऐसा आमतौर पर कम देखने को मिलता है। बस जो नसीब में होता है उससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। भी लोग करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, करने वाले तो करते हैं। देखिए पंकज व्रत रखते हैं, बच्चों के लिए माना था इन्होंने, और चंदा इनकी पत्नी भी साथ में है। ये बताइए कि आपके पति छठी मैया का व्रत करते हैं तो कितना आप सपोर्ट कर पाती हो, कितना आपको अंदर से एक ऊर्जा मिलती है? मुझे मेरी तरफ से जितना भी कोशिश होता मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है घाट पे जाना, उनका सपोर्ट करना, फिर वो कपड़े जो उतारते हैं उसको धोना मुझे अच्छा लगता है। वैसे कितने साल से आप ऐसे ही सपोर्ट करती चली आ रही हैं अपने पति? साल से ही कर रही हूँ मैं, 11 साल से। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आमतौर पर महिलाएँ व्रत करती हैं, महिलाएँ सारी जो व्रत की कठिन प्रक्रिया होती है उसे पूरा करती है, लेकिन यहाँ आपके पति करते हैं तो एक अलग तरह की फीलिंग आती होगी पत्नी होने की। हाँ, मेरे घर में वैसे मेरे जो छोटे ससुर हैं, मझले ससुर हैं, वो भी करते हैं, वो भी ऐसे ही व्रत करते हैं जैसे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, वैसे करते हैं, तो अंदर से खुशी भी मिलती है, थोड़ा सा भी फख्र होता है कि कल मैं इनको देख के मैं भी कर सकूँ। देखिए कितना छठी मैया में कितनी आस्था लोगों की है, और आप देख सकते हैं एयरफोर्स कर्मी हैं पंकज और उनकी पत्नी 11 साल से सपोर्ट कर रही हैं, और वो छठी मैया का व्रत अपनी माँ के साथ करते चले आ रहे हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।